नमस्कार दोस्तों, विनश्री एरेंडोली चैनल पर हम आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के इस भाग में हम देखते हैं फुल फॉर्म एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, पीएम एंड सीएम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। फुल फॉर्म ऑफ एमपी, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। हिंदी में इसका मतलब संसद का सदस्य होता है। संसद के सदस्यों को संसद या एमपी कहा जाता है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को ही एमपी कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा निर्मित 12 सदस्य होते हैं। राज्यसभा संसद बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। हिंदी में इसका अर्थ विधानसभा का सदस्य होता है। एमएलए को विधायक भी कहा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, जो कि उस राज्य के कानून का निर्माण करती है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता करती है। प्रत्येक राज्य का कोई विधानसभा क्षेत्रों में बांटा दिया जाता है। विधानसभा की हर एक सीट से एक विधायक चुना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है। विधानसभा चुनाव में आई आम जनता वोट डालते हैं और अपने पसंदीदा का कैंडिडेट चुनती है। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक वोट दे सकता है। फुल फॉर्म ऑफ एमएलसी, एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। हिंदी में इसका अर्थ विधान परिषद का सदस्य होता है। भारत में प्रत्येक राज्य में कानून निर्माण करने की जिम्मेदारी विधानमंडल की होती है। विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन होते हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है। एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता। इसके लिए तिहाई सदस्यों का हर 2 साल खत्म हो जाती है। इसके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार विधानसभा सदस्यों के बराबर होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीएम, पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है। हिंदी में इसका अर्थ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है और भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन करता है और उसकी सिफारिश भी कर सकता है। हालांकि किस मंत्री के कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीएम, सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर होता है। हिंदी में इसका मतलब मुख्यमंत्री है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य प्रशासक होता है। यह राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। यह राज्य विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य विधानसभा का चुनाव होता है। जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनाव करती है। विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल व नेता को राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देते हैं। अगर किसी दल के बहुमत नहीं मिलता तो वह गठबंधन के पास बहुमत होता है और राज्यपाल उस गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।